मैं रोहित महाजन, जिला उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस कुल्लू, आज आप लोगों के बीच में मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी अभी जो है डीसी कार्यालय कुल्लू के का एक रिजल्ट आया जो कि चौकीदार का रिजल्ट था, जिसमें तीनों लोग जो लगे वो हमारे जिले के बाहर के लोग लगे। हमारे कुल्लू जिले का कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा साथी इसमें जो है नौकरी नहीं लगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हम इस भर्ती को, जो चौकीदार की भर्ती इन्होंने करवाई, इसे प्रदेश स्तर की ना करते और अगर हम इसे जिला स्तर की करते तो शायद हमारे जिला कुल्लू के साथियों को रोजगार मिलता, उन्हें नौकरी करने का मौका मिलता और वो शायद इस नौकरी को कर पाते। परंतु बहुत दुख की बात है कि आज जो है हमारे कुल्लू की कोई भी युवा साथी जो है इस नौकरी को नहीं कर पाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तो ये चौकीदार का रिजल्ट है, कुछ दिनों में जो है पीएन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो अगर पीएन के रिजल्ट में भी यही चीज़ हुई तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं चाहता हूँ कि जिला कुल्लू कार्यालय, डीसी साहब का जो कार्यालय है, वो अगला रिजल्ट जो है अभी ना निकाले और इस अगला रिजल्ट निकालने से पहले वो इसका जो चयन प्रक्रिया है उसे बदले, उसे जो है जिला स्तरीय करे, ताकि हमारे कुल्लू जिला के युवा साथियों को ये नौकरी मिल सके। अगर इस बार भी ऐसा हुआ कि सारे ही लोग जो हैं बाहरी जिला के लगे तो हमारे कुल्लू के युवा साथी कहाँ जाएंगे, मेरा पहला प्रश्न ये है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार जो है हम कभी किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम कोई दूसरे जिले के लोगों के अगेंस्ट नहीं है। बहुत सारी भर्तियां प्रदेश स्तर पे करते हैं, उसमें सभी जिला के लोग अप्लाई करते हैं और उसमें सभी जिले के लोग जो है उसमें वो रोजगार पाते हैं, पर ये बहुत छोटी नौकरियां हैं जिसको आप जिला स्तर पर कर सकते थे। आपको ये जिला स्तर पर ही करनी चाहिए थी। अगर आप इसे जिला स्तर पर करते तो जो हमीरपुर जिले का व्यक्ति है उसे हमीरपुर में नौकरी मिलती, मंडी जिले का व्यक्ति है उसे मंडी में मिलती, चंबा का है उसे चंबा में मिलती, शिमला का है उसे शिमला में मिलती, और कुल्लू जिले का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसे कुल्लू में जो है नौकरी मिलती। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और दूसरी अपील मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब जो अगला रिजल्ट आपका पीएन का आने वाला है उसे कृपा करके आप अभी ना निकालें, उसे आप रोकें, उसकी आप प्रक्रिया बदलें, ताकि इस जिले के युवा साथियों को नौकरी मिल सके। एक तरफ से मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार जो है हमारे युवा साथियों को नौकरी देने में बिल्कुल विफल रही है, और कुछ लोग जो अपने लेवल पे भी युवा रोजगार कमा रहे हैं उनके रोजगार पर भी इन्होंने तलवार लटकाई हुई है। हमने पहले भी ये बात उठाई है, आज मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि जो भी हमारे पैराग्लाइडिंग वाले हैं, रिवर राफ्टिंग वाले हैं या ट्रैकिंग वाले हैं, उन्होंने अपना रोजगार स्वयं यहाँ पर पैदा किया और वो खुद उस काम को कर रहे हैं। उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियों की रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई और जो आने वाले समय में यहाँ के रोजगार के ऊपर बहुत बड़ा एक अंकुश लग सकता है। मैं यही आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, इस जिला कुल्लू के अंदर युवा साथी हैं, आप लोग खुद उठें, अपने रोजगार का आपको खुद को जो है इसको बचाना होगा, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आज हमें अपना रोजगार खुद बचाना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।